नमस्कार साथियों, माइंड्स रूल 1955 के कुछ और रूल्स को आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4, जो पर्सन अंडरग्राउंड में एम्प्लॉयड है उनके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन के क्या क्या प्रावधान है, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पर इस वीडियो के अंदर। सो यहाँ पर रूल नंबर 29A है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर, इस अध्याय का लागू होना। चैप्टर नंबर 4A किन लोगों पर जो है एप्लीकेबल होगा, उसके लिए यहाँ पर ये रूल मेंशन किया गया है। इस रूल के हम अंदर देखते हैं तो यहाँ पर यही रूल हमें बताता है कि ये जो चैप्टर है वो उन लोगों पर जो है अप्लाई नहीं होगा जो माइंड के अंदर या फिर सरफेस पर किसी टेम्परेरी या फिर कैजुअल बेसिस पर या फिर जो है रेगुलर 6 मंथ से अधिक काम पर नहीं रखे गए। ये चैप्टर जो है यहाँ पर उन लोगों के लिए लागू नहीं होगा। उन लोगों के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन जो है मेडिकल एग्जामिनेशन मस्ट नहीं है। सर्टिफाइड सर्जन से इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है वो करवाना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। जो लोग नॉर्मली किसी काम के लिए रखे गए हैं, जो 8 या 10 दिन या फिर महीने भर के लिए जिन लोगों को बुलाया गया है, जिन एम्प्लॉय को किसी नॉर्मल वर्क के लिए या फिर जो रेगुलर 6 मंथ जो 6 मंथ से ज़्यादा काम नहीं करेंगे, ये चैप्टर जो है उन लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। यहाँ हम बात करेंगे रूल नंबर 29B के बारे में, इनिशियल एंड पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन। इनके बारे में आपको मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। सबसे पहले इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन वो होता है जहाँ पर कोई पर्सन जो है न्यू ज्वाइन होता है किसी कंपनी के अंदर, किसी माइन के अंदर न्यू ज्वाइन होता है माइनिंग से रिलेटेड वर्क के लिए, उनका जो है सर्टिफाइड सर्जन इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन लेता है। और जो पर्सन ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं माइनिंग के अंदर, यहाँ पर उनका जो टेस्ट होगा वो पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो हर 5 वर्ष के अंदर होता है। और जैसे ही उसकी डेट पूरी होती है और वहाँ पर जो है माइन मैनेजर और जो सर्टिफाइड सर्जन होता है वो उसे इन्फॉर्म करते हैं। और इस टाइप की सारे रूल्स एंड रेगुलेशन रूल के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रूल नंबर 29B के बारे में। सो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालती है और ये ऑफिशियल गेजेट के अंदर, और यहाँ पर उसके बाद जो है ओनर हो गया, ओनर एजेंट और मैनेजर जो हो गया उनको ये मतलब इस इनिशियल और पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अरेंजमेंट क्या क्या करने होंगे उसके लिए यहाँ पर ये जो है नोटिफिकेशन निकलता है। उसके बाद जो डेट होती है उसके बाद ये लोग अरेंजमेंट करते हैं। सो सब रूल 1 यहाँ पर हमें क्या बताता है कि जो डेट अनाउंस होगी ऑफिशियल गेजेट के अंदर, डेट अनाउंस होगी उसके बाद जो 5 वर्ष के अंदर 5 ईयर्स के अंदर जो है सभी पर्संस का इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन जो है का अरेंजमेंट जो है करना है। और एग्जामिनेशन इस टाइप से किया जाएगा कि 5 वर्ष के अंदर जो है 1/5 जो एम्प्लॉय हैं उनकी जांच 1 वर्ष के अंदर की जाए, तो इस टाइप से जो है 5 सालों के अंदर सभी जितने भी एम्प्लॉय उन सभी की जाँच जो यहाँ पर जो है कम्प्लीटली हो जाएगी। 1/5 का एग्जामिनेशन जो है हर वर्ष किया जाएगा। सो इससे सभी एम्प्लॉय जो होंगे उनका एग्जामिनेशन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और ये एक साइकिल कंप्लीट होगा। ये अरेंजमेंट जो यहाँ पर है ओनर एजेंट और मैनेजर को इस टाइप के अरेंजमेंट करने होंगे। सबरूल 1 को आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर, और इसमें ये बताया गया है कि जिन अंडरग्राउंड जो भी माइन है यहाँ पर उनमें डेट अनाउंस से पहले ही जो मेडिकल एग्जामिनेशन की कोई दूसरी जो है टाइप या पद्धति जो है वो चालू है, जो चीफ इंस्पेक्टर उसको जो है समान सेम लेवल की मानता है, सेम लेवल की जो है यहाँ पर मानता है, तो डेट अनाउंस के 5 वर्ष के जो अंदर है उस टाइप से एग्जामिन किया गया पर्सन जो है इस ये जो रूल है इसके अनुसार इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया जो है मान लिया जाएगा। और जो जिस दिन एग्जामिन किया जाता है वो उस डेट को जो है यहाँ पर IME की डेट मान लिया जाएगा, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन की डेट को जो है इस दिन मान लिया जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग। सब रूल नंबर 2 के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें बताया गया है कि जो पर्सन माइंड में अंडरग्राउंड माइंड के अंदर
ज्वाइनिंग करता है माइनिंग जॉब के अंदर, उस पर्सन को जो है यहाँ पर इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन उसका जो है यहाँ पर किया जाएगा, और जिन पर्सन्स ने 5 ईयर के अंदर ये टेस्ट कराया है उनको है यहाँ पर IME जो है इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। 5 ईयर के अंदर ये एक बार होता है। जो पर्सन न्यू ज्वाइन होते हैं उनके लिए जो है ये टेस्ट किया जाता है। सब रूल 2B यहाँ पर है कि जो डेट अनाउंस होने के बाद माइन के जो भी एम्प्लॉय हैं उनका 5 वर्ष के अंदर, 5 वर्ष के डिफरेंस में जो है PME का अरेंजमेंट जो है प्रॉपरली किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इस रूल के अंदर और चीज़ें मेंशन की गई हैं कि सपोज एस्बेस्टोस की जो माइन है वो, और जो मिलिंग मिलिंग के काम में लगे एम्प्लॉय हैं वो यहाँ पर जो उनका PME जो है 12th मंथ में ही किया जाएगा, एक बार किया जाएगा। और फर्स्ट शेड्यूल फर्स्ट जो है शेड्यूल फर्स्ट के फॉर्म पी में दी गई जो एक्सरे रिपोर्ट है उसको छोड़कर यहाँ पर सभी टेस्ट किए जाएंगे, और एक्सरे का जो टेस्ट है वो 3 वर्ष में एक बार यहाँ पर जो है किया जाएगा। सो नॉर्मल जो पर्सन है उनको यहाँ पर PME 5 ईयर के अंदर करानी है, लेकिन जो पर्सन एस्बेस्टोस या मिलिंग के काम में लगे हैं उनको PME जो है यहाँ पर हर 12 मंथ के डिफरेंस में जो है यहाँ पर करवानी है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं एग्जामिन अथॉरिटी को, अगर लगता है कि डस्ट से रिलेटेड कोई डिजीज जो है उसका जो है सस्पेक्टेड केस की पुष्टि करना चाहते हैं अगर एग्जामिन अथॉरिटी, तो वो यहाँ पर जो है PME के अंदर एक्सरे, PME या एक्सरे जो है दोनों का कम समय पर भी करने के लिए जो है यहाँ पर वो परमिशन दे सकती हैं। एक्सरे यहाँ पर 3 वर्ष का है तो एग्जामिन अथॉरिटी उसे कम टाइम में भी करने की जो है परमिशन दे सकती है। सो ये था रूल नंबर 29B के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है गाइज शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।